दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। आज हम आपको एक ऐसे गांव से रूबरू करवाएंगे जहां ऐसी मान्यता है कि आज से करीब 500 साल पहले काले जादू के बल पर यहां पर डायन प्रथा की शुरुआत हुई थी। आज के युग में डायन नाम का ये शब्द कमजोर महिलाओं पर अत्याचार करने का जरिया बन चुका है और हमारे देश भारत के कई राज्यों में डायन के नाम पर कमजोर महिलाओं पर जुल्म किया जाता है और यहाँ तक कि उन्हें जान से भी मार दिया जाता है। महाराष्ट्र में स्थित हरंगुल नाम के इस गांव में 15वीं सदी में डायन प्रथा की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से आज तक यहां पर कोई भी चैन से नहीं सो पाया है। वैसे तो इस मामले में बंगाल के काले जादू का उल्लेख मिलता है, मगर ऐसा भी माना जाता है कि डायन प्रथा की वास्तविक शुरुआत इसी गाँव में शुरू हुई थी, जिसके बाद से इस गाँव की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। पहले एक महिला डायन बनी, फिर देखते ही देखते यहाँ पर डायनों की संख्या बढ़ती गई। पहले तो उन्होंने अपने ही घरों को निशाना बनाया और फिर पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। धीरे धीरे यहां पर डायनों का प्रकोप बढ़ने लगा। यहां तक कि जो काम रात के अंधेरों में छुपकर किया जाता था, वह दिन के उजालों में शरेआम होने लगा। गांव के नौजवान लड़के पेड़ों पर मृत लटके हुए पाए जाने लगे, क्योंकि डायनों ने इन नौजवानों को अपना शिकार बनाया। पहले उन्हें प्यार के जाल में फंसा कर उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाते और फिर उनके रक्त का उपयोग तांत्रिक क्रिया के लिए किया जाने लगा। इतना सब होने के बाद गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद उन्होंने डायनों को पेड़ों पर लटकाकर जिंदा जलाना शुरू कर दिया और मरते समय डायनों ने कहा कि वह बदला लेने के लिए वापस जरूर आएंगी। इसलिए गाँव में किसी भी पेड़ पर कील ठोकना, थूकना या फिर रात में पेड़ों के पास सोना सख्ती से मना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर इन नियमों का पालन सही से ना किया गया तो ये डायनें वापस आ सकती हैं। आज भी इस गांव में माना जाता है कि रात के समय इन डायनों की आत्माएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब वह पहले जितनी ताकतवर तो नहीं रही, लेकिन अगर कोई इनके जाल में फंस जाता है तो उसका हश्र बहुत ही बुरा होता है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।